कृष्णा, नमस्कार कवि महाशय। तुम्हारी आंखें नहीं है सिर्फ इसलिए, प्यार आशा भावनाएं सब दूसरों के लिए त्याग करके ये शहर छोड़कर जा रहे थे। दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते कि तुमने कितना बड़ा त्याग किया है। मैंने कहा था कि मैं एक नॉर्मल इंसान के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ ताकि मेरे जीवन में रोशनी आए, लेकिन ये तो हर किसी का सपना होता है। लेकिन जब मेरी तुमसे मुलाकात हुई, तुम्हारे साथ बिताए पल में मैंने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। एक नॉर्मल इंसान दूसरे इंसान को जज करता है उसके रूप से, बातों से, उसके स्टेटस से, लेकिन हम जैसे व्यक्ति सिर्फ एक इंसान के व्यक्तित्व को समझते हैं। हमारा एक स्पेशल सिक्स सेंस होता है। तुम कैसे इंसानों में अच्छे से जानती हूँ कृष्णा। तुम्हारे पास जब भी होती थी मैं बहुत कंफर्टेबल, बहुत सिक्योर फील करती थी। और तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम्हारी पर्सनैलिटी किसी नॉर्मल इंसान से कम है? मुझ पर भरोसा रखो कृष्णा, मैंने अपना धैर्य रखा, पर तुमने अपना धैर्य कैसे खो दिया? अगर मुझे पहले पता चलता कि तुम भी मेरे जैसे अंधे हो तो मैं ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेती। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कृष्णा? मैं कुछ नहीं जानती, तुम चाहे जैसे भी हो, पर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तुमने मेरे मन में जगह बना ली है और अब ये जगह कोई नहीं ले सकता कृष्णा। लाइफ की इस जर्नी में तुम्हारी उंगली पकड़कर मैं आखिरी दम तक तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। बस एक बार अपने प्यार की भीख दे दो कृष्णा। होस्ट, यहाँ पे कृष्णा कौन है? मेरा ही लड़का है। हाँ, फिर ये लीजिए। हाय, हेलो, आप सबको नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम सब अच्छे हैं। हाउ आर यू? फाइन। आप सभी कैसे हैं? आप सबकी आवाज से लग रहा है कि आप लोग ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है कृष्णा। आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन दिमाग बहुत तेज है। हर पल खुश रहना ही मेरी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है। द ग्रेट पूर मंडलपट्टी यानी मंदिकरी, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया की इस यादगार जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा। आपकी ये जर्नी हमेशा के लिए यादगार बन जाए इसके लिए मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। आर यू रेडी? रेडी। ओके, अभी आप क्या देख रहे हैं? ये एक बहुत ही महान शासक की यादगार है। इसे बनवाने से पहले कृष्णा भाई, हाँ? आपके लिए लेटर आया है, आपकी माँ बुला रही है। हाँ, उससे कहो मैं आ रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। टेक केयर। नमस्ते सर।
अरे गोविंद, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। देखो, मानसा गंगोत्री में मुझे काम मिल गया, परसों जाके जॉब ज्वाइन करना है। अच्छा, क्या बात है? पर यूनिवर्सिटी में क्या काम देंगे तुझे? वो सब मैं आने के बाद बताऊंगा। पहले तू कल मिल तो सही, कल बस स्टैंड पे पिकअप करने आएगा ना? कृष्णा, परमात्मा का साथी बनने का मौका मिल रहा है, ना कैसे कह सकता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर यहाँ पर आकर रहेगा कहाँ तू? वो वृंदावन एक्सटेंशन पे हॉस्टल में रहने का इंतजाम किया है। अच्छा, उस हॉस्टल में? मुझे मालूम है, मैं लेके जाऊंगा। ओके, ठीक है, बाय। माँ, 12,000 की पगार है, खाना रहना सब कुछ उनका है, अच्छी बचत होगी। अपने खर्चे के लिए थोड़ा निकाल कर, बाकी का मैं तुम्हें भेजता रहूंगा माँ। अच्छा, तुम्हें हरी साड़ी बहुत पसंद है ना? जब मेरी पहली पगार मिलेगी तो मैं दुकान पर जाकर सबसे पहले तुम्हारे लिए हरी साड़ी खरीदूंगा और तुम्हें भेज दूंगा। जवाब ही नहीं दे रही। क्या सोच रही हो? यही ना कि मैं नई जगह पे कैसे रहूंगा? मदर इंडिया हो ना, इसीलिए चिंता होगी। और नहीं तो क्या, यहीं पे सही से काम करके मेरे सामने भी तो रह सकता है ना तू। एक उम्र के बाद माँ बाप के लिए उनके बच्चों की खुशियाँ ही उनकी असली पूंजी होती है। सोचा था सुंदर सी लड़की से तुम्हारी शादी करा दूंगी और अपने पोते पोती का मुँह देखूंगी। ओ, मदर इंडिया, तुम अपनी तरफ से कुछ मांगती नहीं हो। वैसे भी हमारे पास कमी किस चीज की है? ये देखो, बस आ गई। संभाल के जाना, अपना ध्यान रखना। ओके माँ, बाय मदर इंडिया। कंडक्टर बाबू, मेरे बेटे को अच्छे से ले जाना। हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करना। कृष्णा, वेलकम टू कल्चरल कैपिटल मैसूर। हे गोविंद, थैंक यू सो मच यार, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, मुझे तो यहाँ पर कोई काम नहीं है, खाना पीना किसी चीज की कमी नहीं है, एकदम मस्त हूँ मैं। लेकिन एक बात कहूँ क्या, तू एकदम मस्त लग रहा है यार, कसम से, आराम से। अरे थैंक्स बड़ी, माँ के हाथ का खाना खाना फिर आराम से सो जाना, लोगों को खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस दिखाना, हैंडसम तो लगूंगा ही ना। हाँ हाँ, वो ठीक है, पर ये बता कि मेरे लिए गाँव से कुछ लाया है, कैसी आ गया? अरे मैं तो लाना भूल ही गया, अर्जेंटली निकलना पड़ा ना इसलिए। ओहो, तो सारे कस्टमर्स का तुम ऐसे ही स्वागत करते हो? पहचान लिया चोर कहीं का। तुम तो अर्जेंट में आए हो, उसके लिए नया फूल लेने के लिए नहीं हुआ, काउंटर को भी तुमने एनकाउंटर कर दिया। काउंटर अटैक कर रहे हो? जिसका विजन नहीं उसे विजन दिखाने वाला हूँ, मुझे सिखा रहा है। चल जाने दे, हम ऐसा स्वागत एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक है, जा भाई, हमारे भगवान का सच हम नहीं जानते क्या? क्या कहा? अच्छा ये बता, बस में कुछ खाने के लिए दिया या नहीं? तुम्हारी माँ को यहाँ तुम्हारा आना पसंद नहीं था, मेरे हिसाब से तो वहीं पर रहना चाहिए था और वहीं पर कुछ काम भी ढूंढ लेते। सब कुछ छोड़कर मामा का यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ पर जिसकी आंखें सलामत है उसका भी जीवन बहुत कठिन है मेरे दोस्त। अरे बंदर कौन है जो गाड़ी के सामने आ गया? अबे अगर ब्रेक नहीं मारता तो गाड़ी के टायर के नीचे आके चटनी बन जाती तेरी। अब देख क्या रहा, निकल। नहीं, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये। हम लोग का पासपोर्ट जेब में रखकर घूमते रहते हैं ये लोग। देख लो कृष्णा भाई, कैसे कैसे लोग मिलेंगे तुम्हें यहाँ पर। देख भाई, जीवन के इस नाटक में ऐसे कई चैलेंज में पार्टिसिपेट करके अवार्ड लेकर आया हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है, मैं क्या डर जाऊँगा? तुम बिल्कुल सही हो, अवार्ड भी लोगे और रिवॉर्ड भी लोगे। अब तो कम से कम एक मोबाइल रख ले यार। क्यों? सुबह पता है मुझे आधा घंटा लग गया तुझे ढूंढने के लिए। ए, मुझे मोबाइल फोन की कोई जरूरत नहीं है, देखना कोई सामने तो नहीं आया। हाँ भाई, कौन है सामने? अरे जरा साइड हट जाओ, हमारे बॉस कह रहे हैं। भूल दिया बॉस। देख ले, यही तेरा राजमहल है, यहाँ पर किसी को पूछना पड़ेगा। वहाँ पर लोग इकट्ठा होकर कुछ कर रहे हैं, चल जाके पूछते हैं। लगता है सभी बिजी हैं। सर, सर, शुँ।
सर। यस। चलो वराय स्वामी कहाँ मिलेंगे? विधान सौदा तीसरे माले पे रूम नंबर 4। सर उनके बारे में नहीं पूछे, यहाँ के वार्ड इंचार्ज चलो वराय स्वामी। ये बात है, यही पास में है। यहाँ पास में? हेलो, मैं ही हूँ चलू राय स्वामी। कलर तो ठीक है पर किसी एंगल से ये हैंडसम नहीं लगते हैं। ए, क्या हुआ, शौक लगा क्या? लगना ही चाहिए। ए, थिएटर में आके पूछ रहे हो हीरो कौन है? इस पूरी बिल्डिंग का मैं ही किंग हूँ, कम वार्डन चलू राय स्वामी। कमाल करते हैं सर, इतनी बड़ी पोस्ट पर रहकर आप इनके साथ गोटियां खेल रहे हैं। थोड़ा करीब आओ। मेरी मम्मी ने कहा था चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए बच्चा ही रहना चाहिए। मेरी गोटियाँ मेरी जगह, तुम्हारी गोटियों को छुआ क्या मैंने? जाने दीजिए सर, क्या आप भी मुझे डरा रहे हैं? सर टेंशन मत लीजिए सर, बस इनकी बड़ी बड़ी बातें होती हैं सर, इनकी गोटियाँ मेरे पास है ना, इसीलिए इतना बिल्डअप दिखा रहे हैं ये। ए, तुझे क्या करना है? ज्यादा बकवास की तो तेरी गोटियाँ गायब कर दूंगा, चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे भी पता है कि क्या करना है, मुझे कुछ बोला ना तो आपकी गोटियाँ गायब हो जाएंगी। क्या सर, इतना छोटा सा बच्चा आपसे मजाक करके चला गया। छोटा बच्चा है, मेरे बेटे जैसा है। ओ, क्या बात है। ए, क्या बात है, क्या बोल रहे हो? बच्चे सभी के बच्चे जैसे ही होते हैं, अभी मैंने उसकी माँ को कहाँ देखा है। चलो ये सब छोड़ो, बताओ क्यों आए हो? मेरा नाम कृष्णा है सर, मानस गंगोत्री से काम करने के लिए आया। वेरी गुड, मेरे रहने का इंतजाम यही किया गया है ना। ओ, कृष्ण कुमार आपका ही नाम है जी? क्या? मेरा ही नाम है। तुम्हारे हाथ में छड़ी क्यों नहीं है? बैग में है सर। मुझे ही बेवकूफ बना रहे। ओहो, जरूरत पड़ने पे बाहर निकालोगे? हाँ सर। कृष्णा मुझे एक अर्जेंट कॉल आया है, मैं निकलता हूँ, मैं शाम को मिलता हूँ। हाँ ठीक है, आराम से जा। सर हमने इसे दूध घी पिलाकर बड़ा किया है, इसे कोई कमी नहीं होने दीजिएगा। देख के ही समझ गया, इसे हम मक्खन खिलाएंगे ना। बैग उठा लो अपना। चलो रे स्वामी, लड़के को बोल दीजिए ना। अरे चल जल्दी निकल जाए यहाँ से। बेटे के बारे में बताइए सर। अरे वो मेरा बेटा नहीं है सर, पर देखने में आपके जैसा लग रहा है। तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक करते हो? हाँ आओ। कृष्णा जी ये है तुम्हारा बंगला, तीन पाव में से कोई भी पाव अंदर रख के चले जाओ। तीन पाव? अरे रे रे रे, आप भी मुझसे मजाक कर रहे हो? तीन पाव का मतलब हुआ आपकी स्टिक। आप तो बहुत मजाक करते हैं। जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए। देखो सब लोग, आज से तुम लोगों के साथ इस रूम में ये भी रहेंगे, इनका नाम है कृष्णा कुमार। हाय हाय। ओहो, ये भी मेल कैंडिडेट ही है क्या? दुनिया में लड़कियों की कमी हो गई है लगता है, हर जगह बस गोटियों की ही आवाज सुनाई देती है यहाँ पे। तुम्हारी यूनिवर्सिटी कौन सी है? मैसूर यूनिवर्सिटी। अकेले हो या घर में कोई और भी है? माँ भी है। अरे बाप रे, लगता है बहुत तेज हो। राइट जाके सीधा जाओ, नहीं तो वहीं पर गिर जाओगे। मानना है तो मानो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। अरे इस तरफ आओ। इसका नाम है शार्प सिद्धू, इसकी आंखें तो नहीं है पर ये बहुत होशियार है। होशियारी देख के ही गवर्नमेंट ने इसको एक अवार्ड दिया है, बस स्टैंड के बगल में एक फोन बूथ भी खोल के दिया है। हाय सर। आवाज सुन के पता चला कितना तेज है। इन्हें लोग साइलेंट भाई के नाम से जानते हैं, नो साइलेंट फुल वॉयलेंट। रात भर मच्छर ने खून चूस लिया है, उन्हीं मच्छरों को मारने के लिए ये तब से प्रयास कर रहा है। न मच्छर मिलेगा ना ये रुकेगा। सुबह से दो मच्छरों को मार गिरा है। मेल या फीमेल को? हम जहाँ रहते हैं वहाँ फीमेल्स ही होती है। देखा कितना होशियार है। कृष्णा जी ये तुम्हारा बेड है, बैठ जाओ। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए आराम से। लगता है यहाँ पर भी कोई दोस्त है। अच्छा, इसका नाम है छोटू, इसे कम मत समझिए। कहीं पे भी अपना जलवा दिखा देता है ये, तुम्हें भी कुछ दिन में पता चल जाएगा। मुंह से ज्यादा इसका हाथ शार्प है, सेल्फ सर्विस। कहीं पे भी हिला देते हैं क्या पाँव। लगता है सारा काम खुद ही कर देता है। तीनों के तीनों महापंडित है, कोई किसी से कम नहीं। तीन नहीं है कृष्णा जी, चार लोग हैं। वहाँ देखो चेयर पर बैठ के हेडफोन लगाकर हमेशा अकेले ही लव सॉन्ग सुनते रहता है, वही हमारा टोनी है, प्रेम लोक का प्रेमी लवर बॉय। 3 महीने पहले बिल्कुल सही था पर प्यार में गिर के पूरी तरह से पागल हो गया। ऑल द बेस्ट टोनी जी, भगवान करे आपको आपका प्यार मिल जाए। थैंक यू। हाय एवरीवन, आप अभी जो मूर्तियां देख रहे हैं वो हमारे भारत देश के पुराने संगीत के वाद्य यंत्र हैं। ये देखिए, ये एक बहुत ही विशेष वाद्य है। पुराने जमाने के वाद्यों को देखकर ही नए जमाने के वाद्यों का निर्माण हुआ है।
इतने छोटे छोटे वाद्य आप यहीं पर देख सकते हैं। इन छोटे छोटे वाद्यों से महान राग पैदा होते हैं। यहाँ पर जो पुंगियां टंगी हुई हैं, ये उत्तर भारत के राजमहल के तरीके की हैं। जब इसे सैनिक बजाते थे तो ये पूरे राजस्थान में सुनाई देता था और जिसकी वजह से सारे सैनिक संगठित हो जाया करते थे। इन ताल वाद्यों को शिकार किए हुए जानवरों के चमड़े से बनाया गया है। सो इन सारे कीमती वाद्य यंत्रों को म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। यहाँ की सारी चीजों को देखकर मुझे यकीन है आप सभी ने आनंद लिया होगा। सो आपका कीमती समय देने के लिए आप सबका धन्यवाद। वैसे मैसूर में देखने के लिए और भी बहुत सी जगह हैं, उन्हें देखिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सर। जरा खिड़की खोल देंगे आप? थैंक यू। अरे इसकी क्या जरूरत? वैसे एक बात कहूँ, आपकी आवाज बहुत मीठी है। साथ है अकेले हो? थैंक्स अगेन। मेरा नाम कृष्णा है। आपका नाम क्या है? ये क्या बातों बातों में आपने मेरा नाम ही पूछ लिया, ये कोई बात हुई? टिकेट टिकेट टिकेट। अरे आप तो सीरियस हो गए, मैं मजाक कर रही थी। टिकेट टिकेट। मेरा नाम है तुलसी। तुलसी, आपका नाम भी बहुत प्यारा है। भगवान विष्णु का प्यारा पौधा है तुलसी। आज के जमाने में टिंकी टिंकी नाम यही लोगों को क्यूट लगते हैं ना? भाई साहब टिकट लिया क्या आपने? पास है। वैसे आपका गांव यही है? यस, यही मेरा गांव है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वन एंड ओनली मैसूर। मैं मैसूर में नया हूँ, यहाँ आए हुए एक हफ्ता हुआ है। अभी मैं वृंदावन एक्सटेंशन में रहता हूँ। और आप काम क्या करती हैं? टिन टिन टिन, योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 1027 दिल्ली एक्सप्रेस विल अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। लगता है आप किसी रेलवे स्टेशन पे अनाउंसर का काम करती हैं। मैं डबिंग आर्टिस्ट हूँ, विविध मीडिया क्रिएशन में काम करती हूँ। अभी तो कहूँ, इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेती हैं? आप भी बहुत प्यारी बातें करते हैं। वैसे काम क्या करते हैं? मानस गंगोत्री यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में फ्लोर इंचार्ज का काम करता हूँ। मतलब प्राचीन वस्तु विभाग में एक म्यूजियम है, वहाँ पे असिस्टेंट इंचार्ज का काम करता हूँ। प्राचीन वस्तु विभाग म्यूजियम में? हाँ। मुझे इतिहास के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके म्यूजियम में एक बार जरूर आना चाहूँगी। अभी भी आ सकती हैं आप, पर एक बात है, चमेली का फूल बगीचे में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लड़की के सिर पर हो तो और भी अच्छा लगता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे चमेली का फूल बहुत पसंद है। इनफैक्ट ये तो मेरे लाइफ पार्टनर जैसा है, इसे साथ में लिए बिना मैं कहीं नहीं जाती। ओहो, टिपिकल कर्नाटका की लड़की हो। अच्छा, मेरा स्टॉप आ गया है। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। बेटा तुलसी, खाना तैयार है? जी तैयार है, अभी लाती हूँ। बैठ जाओ। वैसे तुम्हारा ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? मेरा काम तो हमेशा अच्छा ही रहता है, आराम का काम। वेरी गुड। आज मैंने मैसूर नंबर 1 स्वच्छ भारत डॉक्यूमेंट्री के लिए अपनी आवाज दी, बहुत ही मजा आया। बहुत खुशी की बात है बेटी। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ पर ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो छोड़ देना काम। हाँ, अब
तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे देखो, क्या काम है मुझे, फिर भी पूरा पगार मिलता है। पापा, सब लोग दूसरे की कमाई पर निर्भर नहीं होना चाहते। आज के जमाने में खुद के पैर पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मुझे मना क्यों कर रहे हैं आप? मुझे मेरे काम के लिए डीमोटिवेट कर रहे हैं पापा। अरे अरे अरे, ऐसा क्यों समझ रही हो? रियली आई एम प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप। मुझे पता है पापा, कोई मामूली रूटीन टाइप जैसा काम होता तो मुझे खुद ही उसमें इंटरेस्ट नहीं होता और मैं छोड़ देती, लेकिन ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी काम करो अगर दिल से करो तो वो काम कभी भी आपको बोझ जैसा नहीं लगता। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए और कुछ नहीं, है ना? इस तरफ, इस तरफ। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। यस। ओहो, वेलकम। स्वागत है हमारे हॉस्टल के रोमांटिक हीरो और हीरोइन का। फ्रेंड्स, इतने दिनों से आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे ना, मेरी जैस्मिन कौन है ये पूछते थे ना, इसका नाम है नेत्र। हाय। हाय। मेरा नाम छोटू है। हाय। हेलो, आई एम सिद्धा, आलिया सिद्धराजू। नमस्कार, मेरा नाम है वरिदा। नमस्ते, मेरा नाम कृष्णा है। आप लोगों से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। आपको भाभी कहकर बुलाएं या फिर बहन कहकर बुलाएं? भाभी बुलाएंगे तो मर्यादा में रहना होगा, बहन बोलोगे तो स्नेह के साथ, और नेत्रा बुलाया तो फ्रेंड के जैसी। इसमें से आपको जो भी पसंद हो डिसाइड कर लो। तो आप यहाँ पे हम सबके लिए प्यारी बहन होगी। प्यार का बंधन तो जन्म जन्म का बंधन है। अरे आपने कपड़े बदल लिए, मुझे लगा आप अंपायर होंगे। डमी अंपायर ना। हेलो, मैं ऑलराउंडर हूँ। अरे कैसे बताऊँ, मैं सुबह सुबह सब लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन ये बच्चों की पॉटी साफ करता है, उसके बाद कॉफी, 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 और फिर उसके बाद सबको इडली बांटता है। और किसको चाहिए, बोलते जाओ, बोलते जाओ। और फिर जैसे ही रात होती है, हेलो हेलो छोटू साहब, स्टॉप स्टॉप, नेत्र दोपहर तक हमारे साथ ही रहेगी, आप सभी की स्टोरी कहानी बाद में भी सुन सकती है वो। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, हम दोनों 2 महीने में शादी करने वाले हैं, आप सभी का सपोर्ट चाहिए। इसी बात की चिंता मत करो तुम दोनों, हम सब तुम दोनों के साथ हैं, बस तुम दोनों एक साथ रहो। जिस लड़की से मेरी शादी होगी पता नहीं वो कहाँ होगी। ज्वेलर्स, शुभ आरंभ का प्रारंभ, अब बैंगलोर में भी, ठीक है ना सर? ओके। How are you, तुलसी जी? Oh, Krishna, I'm fine. How are you? I'm also fine. अच्छा, मैं कल पूछना ही भूल गई। मैसूर में तो आप नए नए आए हो। आप एक्चुअली हो कहाँ से? भरतखंड, कर्नाटका राज्य, नैऋत्य भाग के कोडागु प्रांत, मुत्तु राजन केरी के बगल में एक छोटा सा गांव है। अरे, मैंने आपका गांव पूछा, आपने तो पूरे इंडिया का मैप ही बता दिया। मैं कुछ नहीं समझी। हमारे राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है मडिकेरी, उसके बगल में एक छोटा सा गांव है। आप मडिकेरी से हैं? मुझे तो वो जगह बहुत पसंद है। पता है, मैं वहाँ एक बार अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने गई थी, हम सब ने वहाँ बहुत एंजॉय किया था। और आप उसी गांव से हैं, बहुत ही लकी हैं आप। हाँ, लकी तो हूँ। वहाँ के हरे भरे पहाड़, पहाड़ों से बहते हुए छोटे छोटे झरने, खूबसूरत महकते फूल, ताजी ताजी हवा, कितना अच्छा लगता है वहाँ, है ना? मन करता वहीं रह जाओ। अच्छा, अक्टूबर और नवंबर में तो वहाँ और अच्छा होता होगा ना? हाँ सही कहा, उस समय पूरा पहाड़ कोहरे से भरा हुआ होता है, एक तरह से आप उसे साउथ इंडिया का कश्मीर कह सकते हैं। वहाँ पर रात को जो फायर कैंप होते हैं, वहाँ पर अगर आप अपने हम सफर के साथ बैठे हुए हो, आहा, तो मानो जैसे आप स्वर्ग में बैठे होते हैं। क्या हुआ, आप शांत क्यों हो गए? मैं कहीं आपको बोर तो नहीं कर रहा? ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर आने वाले सारे टूरिस्ट यही कहते हैं। तुलसी जी, मैं आपसे एक बात कहूँ? कहिए ना। आपका फेस बहुत इंटरेस्टिंग है,
थैंक्स सर, पहली बार किसी ने मुझसे कहा कि मेरा फेस इंटरेस्टिंग है। सब तो प्रिटी फेस कहते हैं। प्रिटी फेस और इंटरेस्टिंग फेस एक से ही होते हैं ना? खूबसूरत लड़कियों की आंखों में इंद्रधनुष होता है, उन्हें किसी गहने की जरूरत नहीं होती। फूलों की तरह इन होठों को हंसी के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, बस इतनी ही ख्वाहिश है कि तुम मेरी प्रेयसी बन जाओ तो मेरा जीवन पूरा हो जाए। माँ के स्पर्श के बाद अगर किसी के स्पर्श से सुख की अनुभूति होती है तो वो तुम्हारा स्पर्श है। दूसरी बस में जाने के लिए आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है, वरना आधा घंटा और लेट हो जाता है। हम बहुत ही पंचुअल हैं, एकदम सही टाइम पे पहुंच जाते हैं। आज ठंडी हवा चल रही है ना? सही कहा तुमने, लगता है कि बारिश होने वाली है। तुमने कभी ऑब्जर्व किया है, जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तब ट्रेन अपनी स्पीड में होती है, हम तो एक ही जगह बैठे रहते हैं, लेकिन जब खिड़की से बाहर देखो तो लगता है कि पहाड़ी, पेड़, पौधे, वो सब हमें छोड़कर पीछे जा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। सही कहा ना? वाओ, कितनी सुंदर बात कही है तुमने। कैसे कर लेती हो? बस ऐसी ही हूँ मैं। आज शुक्रवार है, मुझे आज माता जी के मंदिर जाना है तो मैं यही उतरूंगी। मुझे मंदिर नहीं ले चलोगी? आसमान को देखने के लिए किसी की परमिशन चाहिए, मंदिर में तो कोई भी जा सकता है। चलते हैं। थैंक यू। अरे एम्बुलेंस जा रही है, लगता है किसी को कुछ हुआ है। हेमा, प्रार्थना करती हूँ उनके कष्ट दूर कर दो। तुम भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करो ना। भगवान के सामने प्रार्थना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या पता भगवान हमारी बात ही सुन ले, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अच्छा, हम इन सारी बातों पे विश्वास नहीं करते। मतलब? मतलब कि मेरी माँ ही मेरे लिए भगवान के समान है, पिता, दोस्त, गाइड, सब कुछ है वही। मेरी मदर इंडिया जो है ना, उसने कभी मुझे पिता की कमी महसूस ही नहीं होने दी, और मैं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हूँ, मदर इंडिया जैसा। जैसी मेरी माँ वैसे ही उनका बेटा। इनफैक्ट मेरी माँ तो मुझे बाहर भेजना ही नहीं चाहती थी, लेकिन काम के लिए मुझे बाहर आना पड़ा। यहाँ आने से पहले उसने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं उसके लिए एक प्यारी सी बहू लेकर आऊँ। तुलसी जी, क्या हुआ, आप ऐसे शांत क्यों हो गए? एक्चुअली मेरी माँ नहीं है। तुमने जो भी कहा उससे सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। आई मिस हर। सॉरी, आई एम सॉरी तुलसी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कभी कभी मुझे लगता है कि टाइम फिर पीछे चला जाए और मैं अपनी माँ की गोद में जाकर फिर से एक बच्ची की तरह सो जाऊं, उन्हें जोर से गले लगाऊं, वक्त वहीं पर थम जाए। जो लोग अच्छे होते हैं वो अक्सर जल्दी छोड़कर चले जाते हैं,
शायद भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है, और हम जैसे लोग भगवान के प्रतिनिधि बनकर अब भी इसी धरती पर रह रहे हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि शायद हम लोगों से भगवान से भी ज्यादा प्यार करने वाले इस धरती पर रहते हैं। कोई हमें कितना भी प्यार करे, पर माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। I love you, माँ। देखा ना, देवी माँ तुम्हारी बात सुन रही हैं। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, सब कुछ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब हम चलें? ठीक है। तुम भी बहुत जिद्दी हो भाई, मुझे छुट्टी की एप्लीकेशन भी नहीं देने दी। लेकिन सुनो, प्लीज संभाल लेना, अगर कहीं कुछ हो गया तो। अरे मुझे जितना इंग्लिश आता है, अगर मैं उसे बताता तो मैसूर के बारे में बोलता, वो साउथ अफ्रीका के बारे में समझते। मेरे बाप ने बहुत समझाया, पढ़ाई कर ले, लेकिन मैं दरिंदर शहर में भाग के आ गया। मेरे बाप, तुझे जितनी भी इंग्लिश आती है उसमें मैनेज कर लेना। अरे ठीक है ठीक है, जितना भी आता है मैं उसे मैनेज कर लूंगा। मैनेज प्लीज, आ जा। या हाय फ्रेंड्स। हेलो। हाय। हेलो कृष्णा। वाओ, नमस्ते। ही इज वेरी गुड मैन। Is he it? Cannot see from his eyes. Eyesight. So sad. No eyes. He can't see. But his brain is very sharp. Wow. Wow. Okay. Wow. He will guide you full Mysore all round. Okay. Hi. Hello. Hello. I'm Krishna. Today I will guide you of memorable journey of cultural city Mysore. एक बहुत ही पुराना शहर, संस्कृति का नगर. Oh, Sanskritika. Sanskritika. Hmm. Let's go. क्यों चाचा, कैसे हो? हाँ राजू, बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ। हाँ राजू, आराम से जाना। ठीक है चाचा, जाकर आओ आराम से। ठीक है। लगता है किसी को मिलने जा रहा है तू। हाँ मैं जरा लाइब्रेरी से होकर आता हूँ। कृष्ण भाई, आज नेत्रा का बर्थडे है, और हम सबके साथ बर्थडे मनाने के लिए उसने आज रिक्वेस्ट की है। शाम को जरा जल्दी आ जाएगा ना? शाम को 4 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा, तो अब मैं जाऊं? ठीक है कृष्णा भाई। गुरु, भगवान ने ये लड़कियों की पायलों की आवाज में अजीब सा जादू डाला है, सुनने के बाद एकदम मैग्नेट की तरह खींचा चला जाता हूं मैं। तुम भी अपने पास एक चुंबक रख लो, किसी दिन हाई वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर से चिपक जाना, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लाइब्रेरी में आने पर भी तुम्हारी सोच नहीं बदली है। तुम्हारी बात कोई सुनेगा तो मुंह पे थूक देगा। चुपचाप मुंह बंद करके रखो, शाम को जल्दी वापस लौटना है। जो लोग इडली डोसा खाते हैं ना, उन्हें बिरयानी के बारे में क्या कहा? अरे मैंने कुछ नहीं बोला। भाई देखो बहन, हम सब लोगों की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। असतो मा सद गमया, तमसो मा ज्योतिर गमया का मतलब तुम्हारी जिंदगी में प्यार भरा रहे। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा ही रोशनी रहे, हम इन दियों के माध्यम से यही दुआ मांगते हैं। तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाए और हर कष्ट दूर हो जाए।
तुम्हारे मन में जो भी कामना है वो पूरी हो जाए, तुम्हारे दामन में हमेशा सुख और शांति भरे रहे, तुम जब तक जियो रानी की तरह रहो, सुख की ज्योति अखंड जलती रहे, तुम्हारे रास्ते का अंधेरा दूर करने के लिए ये दिए हमेशा प्रकाश देते रहे। आपको तो इस कविता के ऊपर बुक लिखनी चाहिए। बेटा, तुलसी के नाम से एक कविता ये लिख रहा है। पहले केक काटो बेटा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ठीक है, आज मेरी तरफ से पार्टी है, चलो होटल चलते हैं। देखो बेटा, हॉस्टल में और भी बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे सबके खाने का इंतजाम करना है, तुम सब जा कर के आओ, ठीक है? चलो जाओ। चल, चलो भाई। चलो चलो। मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो स्टिक इस्तेमाल मत किया करो। सॉरी नेत्रा। तुम्हारी आंख और रास्ता दोनों मैं ही हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। सर, ऑर्डर प्लीज। मेन्यू में क्या है? मटन चिल्ली, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन चोखा, इसको एक ब्ला 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 ब्ला, इसको एक ब्लू ब्लू ब्लू, और अब ये ब्लू 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 ब्लू, जाके जल्दी से लेके आ। ऐसे बोल रहा है जैसे स्टेशन पे इसकी गाड़ी छूट रही हो। ऐसा कुछ नहीं है सर, दरअसल ये हमारी जॉब है सर। आराम से खाना खाना चाहिए ना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरी जिंदगी का ब्यूटीफुल बर्थडे था। एक्चुअली यू पीपल मेड माय डे। कृष्णा भाई, आपने जो गिफ्ट दिया वो बहुत प्यारा था। आपकी जीवन साथी बहुत लकी होगी, आपके प्यार के साथ साथ उन्हें आपका गिफ्ट भी मिलता रहेगा। ठीक है, अब मेरे जाने का टाइम हो गया है, बाद में मिलूंगी, अब सबको बाय। मोबाइल फोन कैसा लगा? बहुत बढ़िया, शंकर भाई आके मोबाइल कैसे चलाना है सब सिखा के गए। ठीक है। माँ। बोलो ना। माँ। ये क्या है, अब माँ माँ बोल रहा है, जो बोलना है वो तो बोलो। मैंने मैसूर में फेयर एंड लवली जैसी एक सुंदर बहू ढूंढ ली है। हाँ, कौन लड़की है बताओ मुझे? उसका नाम तुलसी है, बहुत ही अच्छी लड़की है माँ। अच्छा सुनो, तुम उसे पसंद करते हो ये बात उसे मालूम तो है ना? बाद में अपनी बचकानी हरकतों से उसका दिल मत दुखा देना, समझे? ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ना मुझसे बहुत प्यार करती है माँ। और माँ, मुझे अपनी पसंद का जॉब मिल गया है, अब अगर वो लड़की भी मिल जाए तो मेरे जैसा खुशनसीब दुनिया में कोई नहीं होगा। सही कहा बेटा, भगवान जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। थैंक यू सो मच मदर इंडिया, आई लव यू, आई लव यू। ये तो बहुत ही कमाल है, कितना अच्छा लग रहा है। कृष्णा भाई, अगर ये गिफ्ट दिया ना फिर तो बात बन जाएगी। अब चुप रहे, तुम्हें क्या लगता है गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदना बाजार से बैंगन खरीदने जैसा समझा है क्या? मैंने तुम्हारी तरह शैम्पू या परफ्यूम देखकर उससे प्यार नहीं किया है, प्यार दिल से होना चाहिए, पता है तुम्हें? गिफ्ट की वजह से नहीं, हम उन्हें जो भी देते हैं उससे प्रेम छलकना चाहिए। अरे ठीक है छोड़ो ना, इतनी छोटी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो बहुत प्यारा है, सुनकर लगता है कि बस सुनती ही रहूं। कहां से मिला तुम्हें ये? किसी ने गिफ्ट दिया है क्या? मुझे भला कौन देगा गिफ्ट, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरे लिए? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं क्या जो मुझे दे रहे हो?
ये क्या कह रही है? क्या आपको भी लगता है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ही एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं? गिफ्ट देने वाले तो वो होते हैं जो एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास करते हैं। भरोसा और विश्वास? हाँ। मेरे भरोसे के लिए? देखिए ना तुलसी जी, एक इंसान पता है किसी दूसरे को सबसे अच्छा गिफ्ट क्या दे सकता है? वो है उसका टाइम। वो क्या है कि अगर हम अपना टाइम किसी को देते हैं तो वो उसके लिए सबसे अच्छा और सबसे कीमती गिफ्ट होगा, और उससे बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। और उसकी वजह क्या है? गया हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। आपने भी मुझे अपना बहुत कीमती समय दिया है। वो तो सुबह गिफ्ट शॉप चला गया था, वहाँ पर ये देखा तो आपके लिए ले लिया। मुझे नहीं चाहिए बाबा, ऐसे गिफ्ट लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा क्यों? क्या आपके पिताजी ने आपसे कहा है कि किसी अनजान से कोई चीज मत लेना? सुनिए जी, मना मत कीजिए। इस गिफ्ट की आप मालिक हो गई हैं, ये तय है। ओहो, तुम्हें लगता है तुम जिद करोगे तो मैं ये ले लूंगी? सॉरी, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको गिफ्ट नहीं लेना है ना, तो इसे खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। नो सेंटीमेंट। अरे रे, ऐसा मत करो। इतने प्यारे से गिफ्ट को फेंकूंगी तो जिसने इस गिफ्ट को बनाया है उसका अपमान हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे ले लेती हूँ, लेकिन एक कंडीशन है। बोलिए। अगर तुम चाहते हो मैं ये गिफ्ट लूँ तो तुम्हें मेरे लिए एक सुंदर सी शायरी पढ़नी होगी। अगर आप गिफ्ट लेने को तैयार हैं तो मैं आपके लिए चंद लाइनें बोल दूंगा। स्वर्ग लोक की अप्सरा भी शर्मा जाए जब तुम्हारा रूप देखे, चमन के हर फूल की एक ख्वाहिश हो कि वो तुम्हारे जूड़े में सजे, धरती के हर रंग की ख्वाहिश हो कि उससे तुम्हारी तस्वीर बने, क्या नाम तुम्हें तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे को। डिपार्टमेंट के मीटिंग में आप ही के बारे में बात हो रही थी। मेरे बारे में? घबराने की बात नहीं है, सभी आपके काम की तारीफ कर रहे थे। और एक बात, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया कि हमारे दिल्ली नेशनल म्यूजियम में कर्नाटक गैलरी के एक अच्छे से कन्नड़ा गाइड की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कन्नड़ टूरिस्ट आते रहते हैं। अगर आपको वहाँ जाकर काम करने की इच्छा है तो बताइए, मैं रेफर करूंगा। और एक बात, सैलरी भी यहाँ से 50% ज्यादा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन मैं यहीं पर काम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर पूरा एडजस्ट कर चुका हूँ। इसके अलावा अपने गांव में काम करने का अलग ही मजा होता है। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपके करियर के लिए मैंने एक सुझाव दिया, कोई बात नहीं, बाद में कभी अगर आपको जाने का मन करे तो मुझे बता देना। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच सर। कोई बात नहीं, जाइए। क्या मैं इसे बता दूं कि मैं इससे प्यार करता हूं? कहीं मना तो नहीं कर देगी? ऐसा तो नहीं कि मेरी आंखें नहीं है इसीलिए मुझसे बातें करती हैं? क्यों, क्या हुआ? हाँ? आप चुप क्यों हैं? मुझसे कुछ कहना है क्या? मुझे ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली कुछ बताना तो था। तो बोल दीजिए ना। मेरे साथ चाट खाने चलोगे क्या? ओह, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? कहाँ चलना? अगले स्टॉप पर उतरते हैं, वहाँ से थोड़ी दूर पर है। ठीक है। बेटा, मुझे जरा सड़क पार करवा देना। चाट बहुत ही टेस्टी है ना? बेटी, मुझे जरा सड़क पार करवा देना। कृष्णा, इनकी हेल्प कर दोगे क्या? तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे।
जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मेरी इच्छा पूरी करोगी ना? उम्मीद करती हूँ तुमने जो हाथ पकड़ा है वो कभी नहीं छोड़ोगे। पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगे ना? बाद में मिलती हूँ। अरे अरे अरे, क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? कोई बात नहीं है पापा। हाँ, बस ऐसे ही। गुड, ऐसे ही तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। हाँ पापा। हाँ? आपको कुछ बताना था। एक्चुअली मुझे एक लड़का पसंद आया है। ओह, अब समझा मैं अपनी बेटी की खुशी की वजह। जी पापा, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। वाह सुपर कृष्णा, तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा है, ये बात मुझे पहले से पता थी। चोर चोरी करता हुआ फंस गया। कृष्णा के दिल में रहने वाली राधा कौन है भाई? राधा नहीं चलो भाई। हाँ। तुलसी। कृष्णा तुलसी, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। कृष्णा तुलसी की मुलाकात कब हुई थी? बस में पापा, रोज जिस बस में मैं जाती हूँ उसमें वो भी आता है। बहुत ही अच्छा इंसान है वो, बहुत प्यार से मुझसे बात करता है। इन सबसे बढ़कर बात ये है कि उसका दिल बहुत अच्छा है पापा। वो सब तो ठीक है बेटी, पर वो है कौन, कहाँ से है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में कुछ जानती हो कि नहीं? अच्छा इंसान है, प्यार से बात करता है, लेकिन तुम्हारी इस हालत को देखकर दया भाव तो नहीं है उसके मन में? दया भाव जैसी कोई बात नहीं है। वो जिस तरह से मुझसे बात करती है, लगता है वो मुझे पसंद करती है। अगर ऐसी बात है तो मुझे एक किलो चावल ज्यादा बनाना पड़ेगा। क्यों? अरे हमारे हॉस्टल में नई मेहमान आने वाली है, उसके लिए। हमें उसे मिलवाओगे तो ना भाई? आपको उससे जरूर मिलवाऊंगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझसे एक बार जरूर बात कर लेना, ठीक है ना? पर आप टेंशन मत लीजिए, उसका दिल बहुत साफ है पापा। ठीक है, लेकिन तुम उसे पसंद करती हो ये उसे पता है? नहीं चिलू भाई, अभी तक मैंने उसे बताया नहीं है। तुम्हारे ऊपर मैं एक कहावत बोलता हूँ, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। बिल्कुल देर मत करो, जितनी जल्दी हो बोल दो। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है भाई, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाथ मिलाओ। माँ चामुंडा तुम दोनों को खुश रखे। थैंक यू सो मच चिलो भाई। जब से पैदा हुआ हूँ इन आंखों ने रोशनी नहीं देखी, जिंदगी भर देखने के लिए आंखें मिल रही है मुझे, यही मेरा सपना था। मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि मेरी इस अंधेरी दुनिया को रोशन करने वाला सूरज बनकर वो आए पापा, बस ये चाहती हूँ। उससे भी ज्यादा आप सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये जीवन क्या है तुम्हें पता है? सपनों का बाजार है ये, रात में खोई हुई चीज सुबह मिल जाती है। देखना तुम बहुत खुशी से रहोगी। भगवान ने जो तुमसे छीना है ना, वो दूसरी तरफ से भर भर के देगा। सपने कब पूरे होते हैं पता है बेटा? जब हम उन पर भरोसा करते हैं। हाँ।
टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। छोटू भाई, हाँ। लवर बॉय को किसी ने पीटा क्या है? कहा? भाई, आज नेत्रा मुझे अपने घर वालों से मिलवाने के लिए लेकर गई थी। ए, कौन है ये? पापा, इनका नाम टोनी है। हम दोनों एक जगह काम करते हैं। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। क्या कहा? फिर से बोल, बोल जरा। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? शादी करने के लिए ये अंधा ही मिला था क्या? ये उठाएगा तेरी जिम्मेदारी? हाँ, मुझे तो पहले से ही मालूम था ये लड़की काम धाम के चक्कर में जरूर कुछ कांड करने वाली है। अगली बार काम का नाम लिया ना तो अगली बार तेरी चप्पल से पूजा कर दूंगी मैं। चुपचाप से घर के अंदर चल, चल कहाँ ना? देख रे मनी, ये एक दरिद्र को लेके चली आई है और बोल रही है कि इसके साथ शादी करेगी। हैं? ए, हमारे प्यार का फायदा मत उठाओ। ए, चल अंदर जा। तो सर, 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 अंदर जा, बोला ना। प्लीज शांत हो जाइए। चल अंदर जा। चल अंदर, बोला ना मैंने। सर, इसके नाम से प्यार करती है, शादी करेगी। तेरी हेडलाइट नहीं है, नंबर प्लेट भी नहीं है, चासी में पावर भी नहीं है, और मेरी बहन से शादी करेगा? घर से बाहर जाने के बाद घर वापस आने का कोई गारंटी है क्या तेरा? और चला है किसी से प्यार करने? हाँ, सुन रे सर, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सुनाई दे रहा है ना? मनी, मेरा नाम याद रखना। आज किसी को मारने का मेरा मूड नहीं है, इसलिए रास्ता पकड़ो और घर चले जाओ। सर, भले मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं उसको अपनी पूरी जिंदगी पर बहुत अच्छे से रखूंगा, इतनी कैपेसिटी है मेरे पास। तू मुझसे डायलॉग बाजी कर रहा है? यहाँ तेरा जीना मुश्किल है और प्यार करेगा? ये क्या बात हुई? वो मंत्रा को भगा के थोड़ी ले जा रहा था, शराफत से उसके साथ शादी ही तो करने वाला था। तू इन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कृष्णा, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी चाहिए। आओ चलो। अम्मा, 201 सरस्वतीपुरम, 202। एक मिनट रुकिए, किसकी कंप्लेंट है और क्या कंप्लेंट है बताइए। सर, वो हम बेलगो हॉस्टल में रहते हैं सर, और ये हमारे वार्डन है सर, जिलू भाई, और ये मेरा दोस्त टोनी है। नमस्ते सर। सर, ये एक लड़की से प्यार करता है, वो लड़की भी इससे प्यार करती है, ये दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं। ये दोनों घरवालों की मर्जी से शादी करना चाहते हैं सर। देखिए सर, उन्होंने इसे कितना मारा है सर। अभी लड़की कहाँ पर है? बेचारी को घर में बंद कर दिया है सर। लड़की भी अंधी है या फिर? नहीं सर, वो लड़की अंधी नहीं है सर। कैसा प्यार है ये? तुम्हारा लव बहुत स्ट्रांग है क्या? हाँ सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो लड़की को ले जाकर शादी कर लो ना। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, सही तो बोल रहा हूँ मैं। लड़के को लड़की पसंद है और लड़की को भी लड़का पसंद है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? बहुत प्यार करते हैं ना उसे। जाओ जाकर मुहूर्त देकर शादी कर लो और फिर रजिस्टर ऑफिस में मोहर लगवा कर मंदिर में ढोल बजवा लो। ऐसा करने पे लड़की के घर वाले शांत नहीं रहेंगे सर, बहुत मारेंगे इसे। मारने आएंगे, चेस करेंगे या क्या करेंगे? हम रविचंद्र का फैन है, प्रेमियों को हमारे पुलिस स्टेशन से बहुत सपोर्ट मिलता है। सिनेमा में दिखाते हैं ना, क्लाइमेक्स में पुलिस आती है। हम भी बिल्कुल वैसे ही आएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू सर। चलो। सुपर। ए महारानी, क्या महारानी जैसे फैल के सोई है? काम कौन करेगा? उठ बोला ना। अरे बाप रे, अरे ये क्या कर लिया तूने? अरे अरे बाप रे, क्या हुआ माँ? अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही है? इतना जोर से रोएगी तो ये जो घर की छत है ना, वो भरभरा के गिर जाएगी। वो क्यों तूने जहर खा लिया? देखो जरा इसे, अब मैं क्या करूँ? हाँ आ जाओ आ जाओ। अरे उठाओ उसको। अरे इसने क्या कर लिया? मनी,
तुमने दो दो एम्बुलेंस को फोन किया था क्या? अब मेरी समझ में आया, ये जरूर उस लड़के की चाल होगी। गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, जल्दी से गाड़ी निकाल। मुझ पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? ए, तेरा हाथ तोड़ के तेरे हाथ पे ना डाल दिया ना तो मेरे नाम पे कुत्ते का नाम रख देना। एक दूसरे को हार पहना, लो पकड़ो। अरे लंगूर कहीं का, उसके गले में डालो, दोनों की खुशी तो देखो। अरे चल भी चला। ये लो मंगलसूत्र। अरे मेरे होते हुए तू इससे शादी कभी नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं नहीं, वो तेरी सास है, तू अपनी लवर के गले में डाल। डाल, डाल। आग लगे तुम लोगों को। अरे तू क्या कर रहा है? मेरी लाइफ। जो नहीं करना चाहिए वो करके अब पुलिस स्टेशन लेके जा रही है। ऊपर से मुझ पे हाथ क्यों उठाया तूने? मैं कहता हूँ रुक जा। अरे देखो इसने क्या किया, इसने मुझ पर हाथ भी उठाया। अरे सत्यानाश कर दिया इसने। तेरी इतनी हिम्मत हो गई? हमारी आंखों में धूल झोंक के इसे उठा लाया, तुम सबको चीर कर रखूंगा। क्या हो रहा है वहाँ पर? छोड़ियो। कौन है, कौन है? पुलिस स्टेशन के सामने इतना चिल्लम चिल्ली काहे को? चलो निकलो, निकलो, चलो क्लियर करो, चलो निकलो यहाँ पर। ये सब नहीं चलेगा, इधर आ। तू तू ही है ना मेन विलन? मैं और विलन? लास्ट टाइम करके बोल रहा हूँ तुझे मैं। सर फैमिली मैटर है। सर जरा साइड में आइए ना, बात करनी। अपना हुलिया देगा तूने, एक नंबर का छप्पर लगता है तू। देखो सब लोग कान खोल कर सुन लो तुम सब, इन दोनों ने शादी करके समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने का कदम उठाया है। अगर किसी ने मैंने परेशान करने की कोई भी हिम्मत की तो मैं सबको ले जाकर थाने के अंदर बंद कर दूंगा, समझ लेना। आया बड़ा, यहां से चल। दोबारा ये हमारे दरवाजे पे आए तो इसे काट डालूंगा मैं। चलो चलते हैं। ए, क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही साहब। ए, इन्हें बाहर निकालो, चलो निकलो, चलो। रास्कल्स। देखो ये सभी लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। सर इनके सामने तुम्हें राजा रानी की तरह जीवन बिताना है, ठीक है? ओके, कौन है? नमस्ते सर। हाँ खुश रहो तुम दोनों, ठीक है? चलो। हाँ बोलिए। अब खुश हो ना, हैप्पी एंडिंग हो गई ना, है? तुम दोनों के लिए घर सजा के रखा है। हनीमून कहाँ पे, नाइजीरिया या उगांडा? युगांडा। चलो चलो चलो। क्या बात है मैडम, आज उदास सी लग रही हो, क्या हुआ बताओ? ऐसा कुछ नहीं है। क्या मुझे भी नहीं बताओगी? कृष्णा, कल कला भवन में एक म्यूजिक प्रोग्राम है, मेरे पास उसके दो टिकट्स भी हैं। मेरे साथ वहाँ चलोगे? चलूंगा या नहीं ये मैं बाद में सोचूंगा, पहले ये तो पता कर लूं कि तुम्हारा मूड क्यों अपसेट है, बताओ क्या हुआ? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ म्यूजिक प्रोग्राम के लिए मेरे पापा भी साथ आने वाले हैं, इसीलिए मैंने दो टिकट्स भी ली थी, पर उन्होंने सुबह बताया कि उन्हें ऑफिस का कुछ काम है इसलिए नहीं आ पाएंगे, तो सोचा। इतनी सी बात है, ठीक है मैं चलूंगा ना। प्रोग्राम कहाँ है? कला भवन के स्टॉप पर उतरकर वहाँ से स्ट्रेट आ जाना और वहाँ से दाईं ओर 60 कदम चलना। ओ, आप भी कहीं जाने के लिए कदम गिनती है क्या? हाँ कदम कदम गिनकर चलना ही तो हमारी लाइफ है ना। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर। यहाँ कला भवन कहाँ है सर? कला भवन के लिए यहाँ से आगे जाके दाएं लीजिए और आपको कला भवन मिल जाएगा। आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा। नहीं कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। ठीक है जाइए। थैंक यू। कोई बात, थैंक यू वेरी मच।
तुलसी। कृष्णा तुम आ गए क्या? मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी। लगता है प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, चलो चलते हैं। हाँ चलो। आप तुलसी जी है ना, आइए। सभी के मनोरंजन के लिए सभी कलाकारों का दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ हमारे मुख्य अतिथि श्री राजा राम जी कुछ अनमोल शब्द कहेंगे और हमारे कलाकारों का प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को मेरा विनम्र नमस्कार। भगवान कभी कभी हमसे कोई अंग छीन लेता है तो दूसरी ओर कोई और प्रतिभा प्रदान करता है। वैसे ही इन साधकों ने भी ऐसी साधना की है कि अगर भगवान ने इन्हें आंखें दी होती तो ये विश्वविख्यात बन सकते हैं। और इसी की पहल करते हुए नारायण नेत्रालय में डॉक्टर राजकुमार नेत्र बैंक संस्था ने वहां पे लाखों लोगों को नेत्रदान करने का मौका दिया है। हम जानते ही हैं नेत्रदान करके हम अपने जीवन को भी सार्थक कर सकते हैं। जय कर्नाटक माते, जय हिंद। थैंक्स फॉर कमिंग कृष्णा। एक्चुअली थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। अरे क्या हुआ तुलसी, क्या हुआ? कृष्णा मेरा बैग नहीं है, एक बार अंदर जाकर देखोगे क्या? उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज थी क्या? इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं था, बस थोड़े से पैसे थे। पैसे थे? लो ये पैसे रख लो। ये नहीं चाहिए। अरे तुलसी देखो पैसे के लिए संकोच मत करो, कल वापस कर देना और क्या। थैंक्स कृष्णा। ऑटो मैडम को जरा संभाल कर ले जाना। अच्छा कृष्णा तुमसे कल मिलती हूँ। ओके बाय। आकाशवाणी सर्कल के पास लेना। ठीक है मैडम। क्या हुआ बेटी, क्या कोई सपना देख रही हो? ऐसा कुछ नहीं है पापा। अरे बंद क्यों कर दिया, बहुत ही अच्छा म्यूजिक है। कहाँ से लाई हो? कृष्णा ने मुझे दिया है। तुलसी क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे तुमने मुझसे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए? ऐसी बात नहीं है पापा, मैंने सोचा है कि कुछ दिनों के बाद कोई अच्छा समय देखकर मैं आपको कृष्णा से जरूर मिलवाऊं। जल्द से जल्द वो समय आ जाए, मीटिंग तो फिक्स करो। ठीक है पापा। ये लो कृष्णा जो तुमने पैसे दिए थे। अरे वापस करने की क्या जरूरत थी, इसके बदले एक प्लेट पानी पूरी खिला देती तो भी बहुत था। ऐसे नहीं चलेगा, लिए हुए पैसे तो हमेशा वापस करने ही चाहिए। पानी पूरी मैं तुम्हें अलग से खिला दूंगी, ये रहे पैसे। तुम बहुत स्वाभिमानी हो। कृष्णा परसों तुम्हारे बारे में मैं पापा से बात कर रही थी। हा? वो मुझसे कह रहे थे कि वो एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। वो किस लिए? वैसी कोई बात नहीं है, जनरल बात की कि तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा। मेरे पापा को भी ना अच्छे लोगों से दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। तो तुम संडे फ्री हो ना? फ्री तो हूँ लेकिन उनसे कहाँ मिलूंगा? मैं जहाँ उतरती हूँ ना वहाँ पर एक पार्क है, केपी पार्क। हाँ। वहाँ किसी से पूछना बता देगा। श्योर तुलसी, संडे की शाम को 5 बजे उनसे मिलना है। ठीक है। हाँ ठीक है। बेटी उनको केपी पार्क बताया है ना? हाँ पापा यही बोला था, थोड़ी देर में आ ही जाएगा। यही टाइम पे फोन को आना था। हेलो गुड इवनिंग सर। हेलो हाँ सर। हाँ सर। अरे सिग्नल नहीं आ रहा है, एक मिनट सर। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। सर हेलो
सर हेलो हेलो हाँ चलो भाई पहुंच चलो कर जाओ यही पार्क है तुम बैक साइड से जा करके वहां चेयर पे जाके बैठ जाओ मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ पुलिस 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 हाँ, सर सही ओ तो तुम यहाँ पर हो हाय तुलसी लगता है तुम्हें बहुत देर इंतजार करवा दिया कृष्णा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बस 10 ही मिनट हुए हैं पापा भी यहीं पर थे ऑफिस से उन्हें कॉल आ गया था तो बात करते हुए कहीं चले गए तुम आओ बैठो ना हाँ आने तो कोई बात नहीं और बताओ हाउ वाज द डे सुपर्ब मेरी तो कुंडली में ही लिखा है कि मैं हमेशा एनर्जेटिक और हैप्पी ही रहूंगी ओह गुड तुम्हारी तुला राशि है क्या नहीं नहीं एक्चुअली तुलसी नाम तो मेरी नानी का है तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं वो क्या मैं और नानी सेम टू सेम हैं एक ही राशि एक ही नक्षत्र इसीलिए उन्होंने मुझे अपना ही नाम दे दिया बहुत अच्छा नाम है इंजेक्शन दे दिया है घर पर जाकर रेस्ट कीजिएगा सब ठीक हो जाएगा ओके सर मुझे जरा अर्जेंट केपी पार्क जाना है सर क्या मैं आपको लेके चलता हूँ पापा कहाँ चले गए अजय कभी तो ऐसा नहीं करते पर ऑफिस के फ्रेंड्स और काम के आगे तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता जाने दो ना शायद किसी जरूरी काम में फंस गए हो इतना परेशान क्यों हो रही हो फोन पर बात करते करते घर तो नहीं चले गए वो मैं उनसे फिर कभी मिल लूंगा अभी टाइम हो गया है हम चले अच्छा ठीक है चलते हैं तुम बुरा मत मानना अगली बार पापा से जरूर मिलवाऊंगी कोई बात नहीं तुमसे मिल लिया ना मुझे बहुत अच्छा लगा ठीक है बाय बाय संभल कर जाना अरे रोक दो भाई आइए सर थैंक्स बाबा घर तक आपको छोड़ देता हूँ कोई बात नहीं हे भगवान थैंक यू गॉड इज ग्रेट सर पैसा ओ सॉरी कृष्णा चलू भाई कहाँ रह गए थे तुम्हारे प्यार के चक्कर में मैं पिटते पिटते बचा हूँ क्या हुआ चलू भाई बताता हूँ चल क्या हुआ बेटी इतनी गुस्से में क्यों हो कहाँ चले गए थे आप पापा वो एक्चुअली वो बॉस का फोन आया था वहां से बात करते करते फुटपाथ से मैं कहाँ चला गया बाद में कुछ पता ही नहीं चला मुझे मैं कहाँ आ गया हूँ और मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया पर कैसे हुआ मैं आपको हॉस्पिटल सुनो तो घबराने की बात नहीं है बड़ा कुछ नहीं हुआ है बाएं हाथ में छोटी सी चोट आई है स्कूटर वाला मुझे क्लिनिक ले गया डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया वो सब छोड़ दो कृष्णा आया था कि नहीं तुम लोग मिले ना हाँ पापा आया था हम दोनों ने आपका इंतजार किया आप नहीं आए तो उसने कहा अगली बार पापा से मिल लूंगा और वो चला गया सॉरी बेटा ये मेरी गलती है अगली बार जरूर मिलेंगे तुम क्या बना रही हो एक कॉफी बना कर दोगी सर दर्द हो रहा है ठीक है पापा तो फिर लेकर आना क्या हुआ कृष्णा तुमने रात को लिखना शुरू कर दिया चेलू भाई वो क्या है हा? मुझे एक सपना आया था हा? तुझे भी सपने आते हैं भाई आंख वालों को आंख बंद करने पे सपना आता है हमें तो अब 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 वैसे भी तुम कभी हो ना वैसे तुमने सपने में देखा क्या जरा बताओगे सपने में मैंने हा? तुलसी को देखा इससे पहले एक बार माँ को देखा था इस बार जिस लड़की को देखा है पता है वो कितनी सुंदर है जैसी मैंने कल्पना की थी बिल्कुल वैसी है मैंने सपने में उसे प्रपोज किया कृष्णा
कहा जाता है सपने भी कभी कभी सच हो जाते हैं। तेरे सपने में आने वाली तेरे जीवन में पक्का आएगी। हा? तुम सीधे जाके उसे प्रपोज कर दो। ए कृष्णा, ऐसे ही सोचते रहोगे तो अपने शादी का कार्ड देके वो तुझे शादी में बुलाएगी। लेट मत कर, पहले ही मुलाकात में प्रपोज कर दे। ओके? हाँ, ठीक है। तुम अपने सपने को कंटिन्यू करो, मैं आता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बोलो ना। आपके पापा संडे के दिन मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? कोई प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम तो कोई नहीं, फोन पर सिग्नल नहीं मिल रहा था तो पार्क के बाहर चले गए। और क्या हुआ भाई? अरे यार, फिर से गाड़ी खराब हो गई। अब इस गाड़ी को भंगार में दे देना चाहिए यार। चलो भाई उतरो सब लोग, दूसरी बस में भेजता हूँ आपको। ठीक है, चलो उतरते हैं। कृष्णा, मेरी बचपन से एक छोटी सी ख्वाहिश थी, मैं पूरी तरह से भीगना चाहती हूँ, ऊपर से गिरने वाली एक एक बूंद को फील करना चाहती हूँ। आज मैं तुम्हारे साथ इस बारिश में भीगना चाहती हूँ, चलोगे मेरे साथ? मन की आंखों से प्यार पाने का वक्त है, तुम्हारे साथ भीगने से कैसे मना कर दूं? चलो भीगते हैं। कृष्णा, आज मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी कॉफी पिलाती हूँ, तुमने ऐसी कॉफी कभी नहीं पी होगी। अच्छा? हाँ, तो चलो। हाँ, आ जाओ तुलसी, बहुत दिनों के बाद दिख रही हो। पापा नहीं आए क्या? नहीं। ये सर कौन है, फ्रेंड है क्या? हाँ, फ्रेंड है। बारिश में तुम दोनों भीगते हुए क्यों आए हो? कोई छतरी वतरी नहीं मिली क्या? ठीक है, दोनों बैठो, मैं कॉफी लेके आता हूँ। ठीक है। दो नंबर टेबल पे दो कॉफी। मोड़ो नंबर टेबल, फ्रेंड कॉफी। मुझे दो। कृष्णा, मैं हर रोज सोचती हूँ कि तुमसे एक बात कहूँ, लेकिन हर रोज भूल जाती हूँ।
लाइब्रेरी से मुझे एक कविता संकलन की बुक मिली है। मल्लिगे नाम के एक अंधे कवि ने एक किताब लिखी है। पता है बहुत अच्छी अच्छी कविताएं तुम जैसी सुनाते हो और इसमें जो कविताएं सेम फीलिंग्स वाली हैं। कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसे पढ़कर लगता है जैसे तुम ही ने लिखी हो। ब्रेल में लिखा हुआ है, इसे लिखने के लिए और पढ़ने के लिए ब्रेल समझना बहुत जरूरी है। उस कवि की आंखें नहीं है लेकिन उसकी कल्पना कितनी सुंदर है। इसमें से एक कविता तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ। हाँ, कह दो अंधेरों से कहीं और जाकर घर बनाए, मेरे मुल्क में तो अब रोशनी का सैलाब आया है। और इसके आगे लिखा है, अंधेरा हमें रोक सकता नहीं रोशनी में जाने से, तभी रोशनी में साफ साफ दिखाई देता है। तुलसी कॉफी। सर सर कॉफी। एक बात कहूं, चाहे कुछ भी हो लेकिन बिना आके किसी को कभी पैदा नहीं होना चाहिए। पूरा जीवन अंधेरे से ही भर जाता है, लेकिन मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम मिले हो कृष्णा। अब तुम्हारी ही आंखों से मैं अपने आगे का जीवन देखना चाहती हूँ। क्या हुआ कृष्णा, चुप क्यों बैठे हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ए कृष्णा, 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 लगता है तुम्हारा कोई फ्रेंड बुला रहा है, चलो चलते हैं। अच्छा कृष्णा, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। आइए मैम, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, यहाँ से तो बस 100 कदम पर ही मेरा घर है। बाय। ठीक है चलो चलते हैं। अरे रे 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 रे। मुझे मैसूर आकर इतना टाइम हो गया है पर मैं एक लड़की भी पटा नहीं पाया। तू कैसे पटा लिया रे, वो भी इतनी अच्छी लड़की को? इस कला के बारे में थोड़ा अपन को भी बताओ ना भाई। तुम कुछ भी कहो कृष्णा, लेकिन वो लड़की सच में बहुत प्यारी है। उस लड़की की आंखें कितनी सुंदर है पता है? पर इतनी सुंदर आंखों को भगवान ने दृष्टि ही नहीं दी है, बड़ा अफसोस होता है ये देखकर। ओ हो, उस लड़की की तारीफ कर रहा हूँ इसलिए बुरा मत मानना। तुम भी बहुत प्यारे लगते हो, तुम दोनों की जोड़ी एकदम मस्त है। बेटी भीग कर क्यों आ गई हो? वहां पे शेल्टर देख कर रुक जाना चाहिए था ना पापा। आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, कृष्णा से मुलाकात हुई? हाँ पापा, मिला था। पता है मैं उन्हें जय भाई के कॉफी शॉप पर लेकर गई थी। ओहो तो तुम दोनों बहुत घूम रहे हो।
तुम दोनों को किसने परमिशन दी ऐसे घूमने की? हाँ पापा। मजाक कर रहा हूँ मैं, मेरी बेटी पर मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन क्या तुम उसे पसंद करती हो, ये बात तुमने उसे बताई? इनडायरेक्टली बात की थी, लेकिन वो कुछ रिएक्ट करे उससे पहले उसका कोई दोस्त वहाँ आ गया और हम वहाँ से चले गए। तो अब मुझे कब मिलवाओगी उससे? मिलवाती हूँ ना, मैं उससे पूछ लेती हूँ वो कब फ्री है, फिर उससे मिलवाती हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं। तुम दोनों रोज बस में मिलते हो ना? कल मुझे उसी रूट पे कुछ काम है। काम खत्म होने के बाद मैं तुम दोनों को उसी बस में मिलता हूँ और फिर वहाँ पर किसी होटल में कॉफी पीते पीते बातें करेंगे, ठीक है ना? वाओ, सो नाइस ऑफ यू पापा, ऐसा ही करेंगे। क्या हुआ बेटा, इसमें नहीं जाना क्या? नहीं सर, मुझे उस रूट पर नहीं जाना है सर। ओह, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। क्या हुआ बेटी? आप आ गए पापा। हाँ पर कृष्णा कहाँ है? वो भी इसी स्टॉप से आता है, आया होगा देखिए। नहीं दिख तो नहीं रहा। एक मिनट, क्या आप कृष्णा हैं? कृष्णा नहीं, मैं रैम्बो हूँ। रॉकेट रैम्बो। सॉरी, दूसरा है कोई। सर के ऊपर उसने मशरूम उगाए हैं, लेकिन कृष्णा कहाँ है? पापा लगता है वो आज नहीं आया, उसकी बस मिस हो गई होगी शायद। मैं बहुत खुश था कि आज उससे मुलाकात होगी। ठीक है, किसी और दिन ही सही। वैसे भी आए हैं तो एक कप कॉफी पीकर घर चले जाएंगे। ठीक है पापा। कृष्णा कैसा है बेटा तू? मैं अच्छा हूँ। कितने दिनों से तूने फोन भी नहीं किया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ माँ, कोई तकलीफ नहीं है। क्या हो गया बेटा, इतने धीमे क्यों बोल रहा है? मैंने कहा ना माँ, कोई बात नहीं है। ए, माँ को ही नहीं बता सकता है क्या? बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही हो माँ? मैंने कह दिया ना कि कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल शाम को तुम्हें फोन कर लूंगा। अभी खाना खा के सो जाओ। ऐसे क्यों बोल रहा है कृष्णा? कृष्णा, तुम माँ से इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे थे? मैं भी तुम्हारी हरकतें 3-4 दिनों से देख रहा हूँ। क्या बात है, बताओगे नहीं मुझे? ऐसी कोई बात नहीं चेलू भाई, कुछ दिनों से मन कुछ उदास है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हें सगा भाई समझता हूँ, तुम मुझे वार्डन मत समझो, दिल खोल के बताओ मुझे। ठीक है भाई, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। चेलू भाई। हाँ यहीं पे हूँ। चलो भाई, तुलसी। तुलसी को क्या हुआ? तुलसी को भी दिखाई नहीं देता है। वो लड़की भी अंधी है, इसलिए मैं उससे दूर हो जाना चाहता हूँ। चलो भाई। अंधी है इसलिए उससे दूर रहना चाहते हो? कैसी बात कर रहे हो तुम? जो सच है वही बोल रहा हूँ चलो भाई। हे, दिमाग खराब हो गया है क्या? इस दुनिया में कितने लोग हैं जो खुशी से जीवन बिता रहे हैं, प्यार से जीवन निभा रहे हैं। माँ अपने पेट में पल रहे बच्चे को आंखों से नहीं देख पाती, फिर भी उससे प्रेम करती है। इसीलिए बोला जाता है प्यार अंधा होता है। आंखों का अंधा होना ठीक है, पर दिल से अंधा नहीं होना चाहिए। इस हॉस्टल में रहने वाले सारे बच्चों में मैं तुम्हें सबसे ज्यादा समझदार समझता हूँ। छह, मुझे तुमसे ऐसी कभी उम्मीद नहीं थी। चलो भाई, कौन कैसा है इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे आदर्श प्रस्तुत करने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरी जिंदगी वैसी ही होनी चाहिए जैसी मैंने सोची थी। इस मामले में पूरी दुनिया मुझे स्वार्थी समझेगी, डरपोक समझेगी, पर कोई बात नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरी जिंदगी है,
मेरे आदर्श मेरे नियम होंगे, दूसरों की पसंद के आई डोंट केयर। देखो चलो भाई, इस मुद्दे को यहीं छोड़ दीजिए, और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। सॉरी नमस्ते मैडम। नमस्ते। यहाँ कृष्णा नाम का कोई आदमी काम करता है, उससे जरा मिलना है हमें। 3-4 दिनों से वो आए नहीं और उन्होंने कोई एप्लीकेशन भी नहीं डाला। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या करूं समझ नहीं आ रहा। इतने बड़े से शहर में तुम ऐसे अकेले कैसे चली आई? दिमाग वगैरह काम कर रहा है कि नहीं? मुझे अगर बोलती तो मैं लेकर आ जाता यहाँ पर। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? वैसे भी मैं तेरी माँ को खो देने की वजह से तड़प रहा हूँ, अगर तुझे भी खो देता तो मैं कैसे जिंदा रहता? इतना भी नहीं सोचा तूने? देख, फिर कभी ऐसी गलती मत करना। पापा, मुझे कृष्णा चाहिए। पापा, मुझे कृष्णा चाहिए। सर, आपसे मिलने कोई आया है, अंदर आइए। कृष्णा। ओ, तुलसी मैडम, क्या हुआ, यहाँ कैसे आना हुआ? आपको किसी से मिलना था क्या? तुमसे ही मिलने आई हूँ मैं। मुझसे? बोलिए ना, क्या काम था आपको मुझसे? बात क्या है, मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं अवॉइड कर रहा हूँ? ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक हफ्ता हो गया तुम मुझसे मिले नहीं, बस मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ, तुम आते नहीं।
तुम्हें ढूंढते ढूंढते तो मैं पागल हो गई हूँ, तुम्हें पता भी है। वैसे भी मैं कौन सा इस शहर का वीआईपी आदमी हूँ जो तुम मुझे ढूंढ रही हो। वैसे एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा बिजी था, ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ। और वैसे भी आपको क्या जरूरत थी कि मुझे ऐसे पागलों की तरह ढूंढ रही हो? पता है ना, हम तो बस की वजह से हम सफर बन गए थे, वहां पे टाइम पास करने के लिए बस आपसे फ्रेंडशिप हो गई थी और कोई खास बात नहीं थी। उस दोस्ती के चलते कभी पानीपुरी कभी कॉफी शॉप पे घूमने चले जाते थे। इस बात को तुमने इश्क समझ लिया, प्यार समझ लिया, तो इसमें आपकी गलती है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या कहा? बस एक फ्रेंड की तरह? तो इतने दिन जो मेरे साथ घूम रहे थे, हमने जो भी बातें की, जो फीलिंग्स शेयर की, वो प्यार नहीं था क्या? प्यार? सच में आपको मजाक करने की बहुत आदत है। मैंने भला आपसे कब कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये तुम्हारी गलत फहमी है, अब तो समझ गई ना। तुलसी मैडम, मैं जरा अभी बिजी हूँ, तुम अगर अभी चली जाओगी तो मुझे काम करने में आसानी होगी। मेरा ऑफिसर आ गया तो मुझे बड़ी परेशानी होगी, तो अभी तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज। एक बार आपने दिल्ली की किसी वैकेंसी के बारे में कहा था। हाँ, याद है मुझे। अब मैं वहां काम करने के लिए रेडी हूँ सर। क्यों कृष्णा, अचानक से क्या हुआ? जिंदगी में थोड़ा बदलाव चाहता हूँ सर। ठीक है, मैं अभी ईमेल करता हूँ और सिफारिश कर देता हूँ। आपका थैंक्स सर। टेक केयर। तुलसी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? देखो बेटी, हम जिससे प्यार करते हैं उसे भी हमसे उतना ही प्यार होना चाहिए, तभी तो जीवन सफल होता है। अगर उसके दिल में प्यार की भावना नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। रो मत बेटा, अपने आप को संभाल। देखो, अगर तुम ऐसी रोती रहोगी तो तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आएगा। नहीं पापा, आप नहीं रोएंगे पापा। हाँ? My daddy is strong. हाँ बेटी, your daddy is strong.
और तुम मेरी बेटी हो तो तुम भी बहुत स्ट्रांग हो, तो तुम्हें भी रोना नहीं चाहिए ना। हाँ, अपने आप को संभाल लो। और कितना समझाएंगे मुझे पापा, मुझ जैसी को इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलती है, वो है दया की भावना। और उसी दया को मैं प्यार समझ बैठी थी पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ ना पापा। अरे अरे, ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? हालात, ऐसे हालात जो है ना, वो बहुत सारे लोगों को कमजोर बना देते हैं और बहुत सारे लोगों को मजबूत बना देते हैं। पापा, अब मैं आगे से काम पर नहीं जाऊंगी। आप मेरी मदद करेंगे पापा? क्या बात है बेटा। मुझे दादी के पास आप छोड़ आएंगे? कुछ दिन उनके साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारा अगर दिल कर रहा है तो जरूर छोड़ आऊंगा, सुबह होते ही निकल जाएंगे, अब रोना नहीं। कृष्णा, तुम कुछ गलत कर रहे हो ऐसा लग रहा है ना तुम्हें? फ्रेंड्स, तुम लोगों ने जो मुझे अब तक प्यार दिया है, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं चाहे कहीं भी जाऊं, इस दोस्ती की बातें जब भी मुझे याद आएंगी, मुझे बहुत फक्र होगा। सच में, सच में मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगा। बहुत तमाशा हो गया। प्यार करने वाली लड़की अंधी है ये जानने के बाद आप उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर आप गांव जा रहे हो, और हम सबको मिस यू ऑल बोल रहे हो आप? इस बात का मतलब नहीं है। आपकी बातें, आपकी कविता, आपकी समझदारी को देखकर मैं आपको कितना वैल्यूएबल पर्सन समझती थी, लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है। क्या वो सब कुछ, वो सारी बातें झूठी थी? यू आर नॉट वर्थ इट। नेत्रा, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। इतना रिस्क लेकर हमारी शादी कराने वाले ये, इनसे प्यार करने वाली लड़की अंधी है, इस छोटी सी बात पर ये उसे छोड़कर गाँव जा रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इनका सपोर्ट लेकर हमने शादी की ना, शर्म आ रही है मुझे। भैया, भैया, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुमने पहली मुलाकात में ही मुझे बहन का दर्जा दिया था। तुम्हें रोककर पूछने का अधिकार है मुझे। बोलो, बोलो, अगर कोई बात है तो बोलो ना भैया, प्लीज। योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 1027 दिल्ली एक्सप्रेस विल अराइव एट प्लेटफॉर्म नंबर। क्या मैडम, कैसी हैं आप? यही आपका घर है क्या? क्या इन्हें आप जानते हैं? मैडम, मैं गोविंद हूँ, कॉफी शॉप कृष्णा का दोस्त। भूल गए आप? अब तो याद आया ना? हाँ। कृष्णा मालूम है आपको? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, वो और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। अभी वो कहाँ है पता है आपको? हाँ मालूम है, बेलकू हॉस्टल में है। बेलकू हॉस्टल में? वहाँ पर क्या करते हैं? गाँव छोड़कर आया हुआ अंधा आदमी बेलकू हॉस्टल में नहीं रहेगा तो क्या ललित महल हॉस्टल में रहेगा? हाँ।
क्या कहा? कृष्णा भी देख नहीं पाता? हाँ मैडम, आप उनके करीब हो, आपको मालूम नहीं है क्या? गोविंद भाई, मुझे अभी के अभी कृष्णा से मिलना है, प्लीज मुझे जल्दी से उसके पास ले चलोगे? क्या बात है मैडम, क्या हुआ? मैं आपको बाद में बताती हूँ, अभी प्लीज उसके पास ले चलो। सबको लगता है मैं तुलसी से दूर जा रहा हूं क्योंकि वो देख नहीं पाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात बिल्कुल सच नहीं है। उसे अभी तक पता नहीं है कि मैं नहीं देख पाता। इस दुनिया को जैसे किसी आंखों वाली की आंखों से देखने की इच्छा है, वैसे ही वो भी किसी की आंखों से इस दुनिया को देखना चाहती होगी। वो किसी आंखों वाले को अपने जीवन की रोशनी बनाना चाहती होगी। अगर उसे पता चला कि जिससे प्रेम करती है वो भी अंधा है तो उसके दिल को कितना कष्ट होगा। उसका साथी उससे बहुत प्यार करेगा, उसके चेहरे से, उसकी आंखों से, उसकी हंसी से प्यार टपकता है, लेकिन मुझे तो सिर्फ उसके दिल से प्यार था। उसके लिए शायद ऊपर वाले ने मुझे बनाया ही नहीं। वो अपने सपनों को भूल करके और जैसे अंधे के साथ जीवन बिताए, ये मुझे पसंद नहीं है। बस इसीलिए मैं उससे दूर जा रहा हूं, उसकी दुनिया से दूर जा रहा हूं। अभी एक ट्रेन आने वाली है, उसमें तुम्हें मैजिक दिखाऊंगा। जैसे ही हम ट्रेन में बैठेंगे सब कुछ चलने लगेगा, लेकिन हम लोग वहीं पर बैठे रहेंगे। हमारे आसपास के पेड़ पौधे चलते रहेंगे, लेकिन हम उन्हें बैठकर देखते रहेंगे। सर, दिल्ली की ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर? 3 नंबर के प्लेटफॉर्म से। अच्छा, वहां से। तुम रो मत बेटा, अगला स्टॉप कौन सा है मैं पूछ कर आता हूं। तुम्हारी आंखें नहीं है सिर्फ इसलिए, प्यार आशा भावनाएं सब दूसरों के लिए त्याग करके ये शहर छोड़कर जा रहे थे। दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते कि तुमने कितना बड़ा त्याग किया है। मैंने कहा था कि मैं एक नॉर्मल इंसान के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ ताकि मेरे जीवन में रोशनी आए, लेकिन ये तो हर किसी का सपना होता है। लेकिन जब मेरी तुमसे मुलाकात हुई, तुम्हारे साथ बिताए पल में मैंने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। एक नॉर्मल इंसान दूसरे इंसान को जज करता है उसके रूप से, बातों से, उसके स्टेटस से, लेकिन हम जैसे व्यक्ति सिर्फ एक इंसान के व्यक्तित्व को समझते हैं,
हमारा एक स्पेशल सिक्स सेंस होता है। तुम कैसे इंसानों में अच्छे से जानती हूँ कृष्णा। तुम्हारे पास जब भी होती थी मैं बहुत कंफर्टेबल, बहुत सिक्योर फील करती थी। और तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम्हारी पर्सनालिटी किसी नॉर्मल इंसान से कम है? मुझ पर भरोसा रखो कृष्णा, मैंने अपना धैर्य रखा पर तुमने अपना धैर्य कैसे खो दिया? अगर मुझे पहले पता चलता कि तुम भी मेरे जैसे अंधे हो तो मैं ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेती। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कृष्णा? मैं कुछ नहीं जानती, तुम चाहे जैसे भी हो पर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तुमने मेरे मन में जगह बना ली है और अब ये जगह कोई नहीं ले सकता कृष्णा। लाइफ की इस जर्नी में तुम्हारी उंगली पकड़कर मैं आखिरी दम तक तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। बस एक बार अपने प्यार की भीख दे दो कृष्णा, प्लीज प्लीज। I'm sorry, तुलसी, मैं कितना बेवकूफ हूँ। मैंने सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचा लेकिन कभी नहीं सोच पाया कि मेरी तुलसी ऐसा सोचती है। मैं कभी भी नहीं सोच पाया। I am fool. तुलसी, तुम्हारी सोच के सामने मैं बहुत छोटा हो गया हूँ। Yeah. You are true. तुलसी, एक प्यारी सी जिंदगी बिताने के लिए, साथ रहने के लिए आंखों की कोई जरूरत नहीं होती। उसके लिए तो सच्चे मन से प्यार को समझने की जरूरत होती है, एक दिल की जरूरत होती है जो प्यार को समझे। I'm sorry तुलसी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। I love you तुलसी। ठीक है, इस जन्म में तो तुम मुझे मिल गए पर अगर अगले जन्म में नहीं मिले तो मैं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें शूट कर दूंगी, समझ गए तुम? सुपर जोड़ी। मैं तुमसे कहता था ना बेटा, सपनों पर भरोसा करो, सपनों पर भरोसा करो, तभी ऐसा चमत्कार हो सकता है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। माखन चोर कृष्णा, यशोदा माँ के लिए एकदम सही बहू ढूंढी है।